everyone. Welcome on Mohari Degrita Padiya Girls College YouTube channel. This side position of faculty of formation teacher. In this class, we will talk about a play which is written by G.B. Shaw, George Bernard Shaw. And the play name is The Apple Cart. So, this class is especially for BA third year student. In this class, we will talk about this play, The Apple Cart. So, first of all, we will talk about the meaning of the apple cart. So, apple cart is an English phrase, and the meaning is that when someone spoiled someone else's work, actually very arranged and managed plan spoiled by someone else, then said the upset apple cart. So, मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से बता देती हूँ. The title of the play, The Apple Cart, is taken from a well-known English phrase, to upset the apple cart. A person is said to upset the apple cart when he spoils or frustrates someone else's carefully arranged plan. Upsetting apple carts had never been one of Shaw's main occupation. हमारे राइटर कह रहा है, उसका मेन ऑक्यूपेशन किसी के प्लान को खराब करना नहीं है. जस्ट इसने इस फिक्शनल प्ले को लिखने के लिए इस फ्रेज का यूज किया है. इन दिस प्ले ही अपसेट्स द एपल कार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइड बाय साइड अपसेट द एपल ऑफ रॉयल्टी आल्सो. इस प्ले में डेमोक्रेसी और मोनार्की पे एपल कार्ट है. ये ऐसे ही एक्सपोजेस द अनरियलिटी ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड रॉयल्टी. इस ऐसे में ये एक्सपोज कर रहा है अनरियलिटी ऑफ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी. ठीक है. There are two differences to this phrase in the play. Both of them occurs in act setting. दो differences play में इस apple cart meaning के लिए और दोनों ही act second में occur होते हैं. The first reference occurs when the king they threaten to abdicate. जब king धमकी दे रहा है and the second Nicobar tells him at that time you cannot upset the apple cart like this. और इस ऐसे में Nicobar कह रहा है किसको किंग को यू कैन नॉट अपसेट द एप्पल कार्ट लाइक दिस. हाँ अब देखो एप्पल कार्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जो एप्पल कार्ट है वो एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के द्वारा कोई काम अच्छे से प्लान किया हो मैनेज किया हो और कोई सेकंड पर्सन आके उसको बिगाड़ दे देन जो जिसका काम बिगड़ा वो कहेगा अपसेट द एप्पल कार्ट. तो इसका मतलब ये होता है. वैसे अगर हम जाने तो एप्पल का मतलब आप सब जानते हैं सेम और कार्ट मतलब गाड़ी हुई तो सेम से लदी हुई गाड़ी. हाँ और इस ऐसे में एप्पल कार्ट का मीनिंग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी है. गवर्नमेंट को एप्पल कार्ट बोला गया है. अब हम जीबी शो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. जीबी शो जो है वो एक डबलिन में बॉर्न हुए आयरिश राइटर है. इनका लाइफ स्पैन 1856 से 1950 तक है. इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1925 में. ये नोबेल प्राइज विनर भी है. 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला. ये जो एप्पल कार्ट इन्होंने लिखा है ये फ्यूचरिस्टिक विजन से लिखा है. मतलब जिस टाइम उन्होंने लिखा 1928 में ये प्ले लिखा उससे 40 साल आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में क्या होने वाला है तो फ्यूचरिस्टिक विजन से इन्होंने ये प्ले लिखा है. ये टोटली फिक्शन प्ले है और ये एक सटायर है इसपे पॉलिटिशियंस पे और पॉलिटिकल सिस्टम पे स्पेशली प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम पे सटायर है ये. और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे जो जीबी शो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं. और इसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में. इस प्ले में कॉन्फ्लिक्ट है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में. इस प्ले का सबटाइटल अ पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंस भी है. ठीक है. इसमें क्या है कुछ कुछ कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं. जो मेजर कैरेक्टर्स है किंग है जिसका नाम मैग्नस है किंग ऑफ इंग्लैंड. फिक्शनल है ये सब. प्रोटियस प्राइम मिनिस्टर है. ऑरिंथिया क्वीन ऑफ इंग्लैंड है. मिस्टर बॉन्ड्रिक्स लेबर्स लीडर है और दो सेक्रेटरीज हैं सेम्प्रोनियस एंड पेम्फेल्डिस. ये दोनों सेक्रेटरीज हैं. तो जब ये प्ले 1928 में लिखा गया और 1929 में वॉर्सो नाम की एक जगह है पॉलिश में वहां ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ. और इस प्ले में क्या है ये जो दो सेक्रेटरीज हैं वो सबसे पहले आए हैं. उन्होंने जनरल सेटअप तैयार किया है प्ले के लिए. उसके बाद में आगे
क्या हो रहा है, जो ये मिस्टर बॉनफ्रिट्स हैं, ये जो भी लेबर्स के लीडर हैं, वो किंग के पास गए हैं और एक इनका बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू चला है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस प्ले में जो हमारे जॉर्ज राइटर हैं वो क्या बात कर रहे हैं, देखो, इट इज हाई कॉमेडी दैट एम्फसाइज शोज इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिज लाइफ टाइम ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स एंड एसेंशियली कंजर्वेटिव मिनिस्टर्स ऑफ कॉमन मैन्स अटेम्प्ट टू गवर्न हिमसेल्फ। देखो, ये कह रहे हैं कि जो कॉमन मैन है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को गवर्न कर सके, उसको हर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे फेल नहीं करना चाहिए और उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा जो भला है वो कहाँ है। Then, in the first half, we meet two of King's secretaries. इस प्ले के फर्स्ट हाफ में हम दो किंग के सेक्रेटरीज से मिलते हैं, सिम्पोनियस एंड पैम्फिलियस। ठीक है, who introduce the general setup of the play? और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जनरल सेटअप प्ले के लिए। Then follows a long interview between the King of England Magnus and the Labour leader Mr. Bonvis. और दोनों के बीच में किसके, Labour leader के बीच में और Magnus के बीच में इंटरव्यू चला है लंबा सा। Show frankly criticized the present working of democracy, exposed its weakness, but he has also shown how a clever and strong man, even though he may be a king, can win the elections and make a successful democratically elected प्राइम मिनिस्टर। इस प्ले में फ्रेंकली क्रिटिसाइज किया है शो ने प्रेजेंट डेमोक्रेसी को, आज की जो डेमोक्रेसी है उसको, एक्सपोज इट्स वीकनेस, इसकी वीकनेस को एक्सपोज किया है, बट ही हैज आल्सो शोन, पर उन्होंने ये भी दिखाया है हाउ अ क्लेवर, एक चतुर एंड स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी, इवन दाउ ही मे बी अ किंग, हो सकता है कि वो किंग हो, किंग इन द सेंस अभी के टाइम में प्रेसिडेंट, can win the elections and make a successful democratically elected PM. वो खुद अपना election जीत सकता है अगर वो clever है, अगर वो strong है और वो एक अपने according prime minister choose कर सकता है अगर king strong है। तो इस play में यही चल रहा है कि जो Magnus है जो monarchy में है, Proteus है वो democracy में है, Proteus चाह रहा है कि जो Magnus है वो उसके अंडर में रहे, वो जस्ट इसका पपेट बन के रह जाए, जैसा Proteus बोले वैसा ही Magnus करे, जैसा कि नाममात्र का शासक, जैसी अभी हमारे प्रेसिडेंट की कंडीशन है, प्रेसिडेंट एक नाममात्र का शासक है और सारा काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो एक्चुअल शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, तो ऐसे ही Proteus भी चाह रहा है कि सारा जो सब कुछ बताओ वो मुझे हो और Magnus जस्ट एक नाममात्र का शासक रह जाए। बट यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिल्कुल भी बिल्कुल फूल है, उसको किसी बात का नॉलेज नहीं है, जबकि हमारा जो किंग है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया है, वो काफी क्लेवर है, वो काफी नॉलेजेबल है, तो वो इन सब की बात पे नहीं आता है, वो पपेट बन के नहीं रहना चाहता है। और Proteus क्या कह रहा है इस प्ले में, एक अल्टीमेटम दे रहा है हमारे Magnus को कि या तो तुम जो है तो क्या करो, रिजाइन कर दो, या फिर अगर तुम्हें रहना है तो तुम बेटो, है ना, इस बेटो का वेट मत करो और उनके पीछे मत रहो, एक हमारे पपेट बन के रह जाओ। बट जो Magnus है वो कैबिनेट के साथ में उनको उकसा के, उनको प्रोवोक करके अपने अंडर कर लेता है और अपना शासन चला लेता है। ठीक है, देन इसमें क्या है, इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम प्ले एंड इट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड provokes the reader to work out their own solution to these problems. ये अगर play हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या social, political और economic problems लगती है, हमें पता चलता है कि democracy में कैसे कैसे situations है, monarchy में कैसे कैसे situations है, इन problems के बारे में हमें पता चलता है। बट इस play को पढ़ने के बाद जो reader है just like us, वो क्या होते हैं, provoke हो जाते हैं, उत्साह हो जाती है, किस चीज के लिए, to work out their own solution to these problems, कि हमें खुद को अपनी own solution find करनी चाहिए ऐसी problems के लिए, हमें किसी party पे dependent नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारा राजा है वो ही सारा काम करेगा, हमें खुद को हमारे बारे में अच्छा या बुरा पता होना चाहिए। A common man's ability to govern himself, मतलब common man के पास में ability होनी चाहिए, common man कौन हो गए, हम हो गए,
और ये तो कॉमन मैन में नहीं है, ये डेमोक्रेसी मोनार्की में आ गई, कॉमन मैन प्रजा हो गई। तो पता होना चाहिए कॉमन मैन को एबिलिटी टू गवर्न हिमसेल्फ, खुद को गवर्न करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग के साथ ही प्रॉब्लम होगी, हमें ही सोशल प्रॉब्लम, हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हमें ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द प्ले इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। तो इस प्ले में जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम यही दिखाई गई है कि डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोनार्की बेस्ट है या डेमोक्रेसी बेस्ड है। जो हमारा मैग्नस है वो मोनार्की के फेवर में बोल रहा है, जो हमारा प्रोटियस है वो डेमोक्रेसी के फेवर में बोल रहा है। नो प्लॉट इन द प्ले, हार्डली कोई प्लॉट मिलेगा आपको इस प्ले में, कोई प्लॉट नहीं दिखाया गया है। ये एक पॉलिटिकल सटायर है एंड फ्यूचरिस्टिक विजन है, पॉलिटिकल सटायर है। ऑब्वियसली पॉलिटिशियन पे व्यंग्य किया है हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि आज का पॉलिटिकल सिस्टम है, फिजिकल पॉलिटिकल सिस्टम, उस पे सटायर किया है और फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया है। फ्यूचरिस्टिक विजन ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक विजन हो गया क्योंकि जब ये प्ले लिखा गया था 1938 में, उससे 40 ईयर्स आगे जो कैसा पॉलिटिकल सिस्टम चलने वाला है वैसा उन्होंने लिखा है, तो फ्यूचरिस्टिक विजन हो गया। देन कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं, और इधर एप्पल कार्टन गवर्नमेंट है। तो यहाँ जो प्ले है उसका क्वेश्चन मार्क यही है कि एप्पल कार्ट को कौन चलाएगा, मींस गवर्नमेंट कौन चलाएगा, मोनार्की चलाएगी या डेमोक्रेसी चलाएगी। बट मोनार्की चला सकती है, प्रेसिडेंट जो है वो पूरा सिस्टम चला सकता है अगर वो क्लेवर है, अगर वो उस स्ट्रॉन्ग मैन है, अगर वो पपेट बन के ना रहे जस्ट। बट फिर भी अभी भी ऐसा है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो नाममात्र का शासक है, सभी शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है कि वो डब्लिन में बॉर्न हुए, वो एक आयरिश टाइटन है, वो नोबेल प्राइज विनर है, 1925 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। देन आपको एप्पल कार्ट का मीनिंग लिखना है कि एप्पल कार्ट जो एक इंग्लिश फ्रेज है उसका मीनिंग क्या है। देन आपको हमारे प्ले एप्पल कार्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है। एप्पल कार्ट जो प्ले है वो 1928 में लिखा गया, 1929 में पब्लिश हुआ, उसको परफॉर्म किया गया। देन आपको इसकी जो मेन मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखना है। देन इसमें जो जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक उनके बारे में लिखना है। देन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई गई है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, वो आपको लिखनी है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। राइट, जो हमारा मोनार्की में जो किंग है मैगनस वो क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी में जो प्रोटियस से प्राइम मिनिस्टर वो क्या बोल रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिखाना है। देन जो सटायर है अभी की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम पे वो कैसे है, उस पे क्या बोलना चाहते हैं। एंड देन एबिलिटी ऑफ कॉमन मैन टू गवर्न हिमसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई इसमें, ये जो कंक्लूजन है वो यही है। तो आपको ये लिख के आना है कि किसी भी कॉमन मैन में एबिलिटी होनी चाहिए खुद को गवर्न करने की, से पता होना चाहिए कि हम किस पार्टी की तरफ जाएं, या वो किसी भी पार्टी में ब्लाइंडली फेथ ना करें, अपने बारे में खुद सोचे, अपनी सॉल्यूशंस का खुद आंसर्स निकाले, उनको खुद सॉल्व करें। एंड देन आपको जो प्ले है उसकी समरी लिखनी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।